सो अभी जो एक कॉइन चल रहा है यूएफओ गेमिंग कॉइन, इसका बहुत ज्यादा ट्रेंड आ रहा है धीरे धीरे, और क्या हमें इस कॉइन को परचेस करना चाहिए जो कि ऑलमोस्ट 70 रुपीज में 1 लाख कॉइन आ रहे हैं और अभी इसके आगे लग रहे हैं 3 जीरो, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना सही है, क्या ये आपको फ्यूचर में करोड़पति बना सकता है, क्या इसे एक्चुअली में होल्ड करके 10 साल के लिए एटलीस्ट हमें कोई प्रॉफिट मिलेगा या फिर ये भी स्कैम निकल जाएगा। तो शुरुआत से एंड तक वीडियो जरूर देखना, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो क्योंकि ऐसी बेस्ट वीडियोस मैं देते रहता हूँ। स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं आपका शिवम सिंह स्वागत करता हूं हमारे चैनल क्रिप्टो यूनिवर्स। सो गाइस, यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं आज यूएफओ गेमिंग कॉइन के बारे में। बेसिकली ये कोई मीम टोकन तो नहीं है, ये एक बोल सकते हैं एनएफटी में सबसे ज्यादा हाथ मारने वाला कॉइन और दूसरी तरफ मेटावर्स के लिए सबसे ज्यादा जानने वाला कॉइन है। लेकिन इसकी अगर खास बात की बात करें तो इसकी टोटल सप्लाई हो चुकी है और 50% कॉइन को ये बर्न कर चुका है, बट इसके बाद भी क्या ये कॉइन लेजिट है? देखिए, सोशल मीडिया पे अभी उतना ग्रो नहीं हुआ है जितना एक्चुअली में बाकी सब है, और दूसरी तरफ लेकिन अगर देखा जाए तो इसका कॉइन का क्रेज धीरे धीरे आने लगा है। अभी कल की परसों की बात है, इसने एक अच्छा पंप दिखाया है कुछ समय के लिए और ये बड़े एक्सचेंजेस में लिस्ट है, लाइक कूकॉइन और एलबैंक और शिवा स्वैप में भी ये लिस्ट है। उसके अलावा टोटल जो है ये 14 एक्सचेंजेस पे लिस्ट है एज पर कॉइन कैप मार्केट, और इसके आगे जो है अभी 3 जीरो लग रहे हैं और अराउंड 70 to 100 रुपीज में ये 1 लाख से 1,10,000 के बीच में कॉइन आते हैं। सो अब एक चीज दिमाग में आती है, भाई ये बताओ कि इसमें एक्चुअली में हम लोग इन्वेस्टमेंट करें कि नहीं करें, और करें तो कितना करें ताकि ये सेफ रहे। सिंपल सी बात है, कॉइन जो है इतने भी नहीं है, ठीक है काफी सारे लिमिट है, लेकिन 50% ऑलरेडी बर्न कर दिए गए हैं शिवाइनू की तरह। उसी तरह कॉइन का जो प्रोजेक्ट है वो एनएफटी और मेटावर्स के लिए बना हुआ है, और जो टीम है वो स्टेकिंग के लिए काम ऑलरेडी कर रही है, और उसके अलावा काफी ज्यादा जो है ये चर्चे में आने लगा है। क्रिप्टो में एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, जो कॉइन के बारे में चर्चा बहुत चल रही है वो कॉइन फ्यूचर में कर ही लेता है। शिवा इनू का क्रेज कैसे हुआ? बहुत सारे लोगों ने बोला भाई बहुत आ रहे हैं करोड़पति बना देगा 1 रुपए जाने के बाद, उसी चक्कर में लोगों ने करोड़ों कॉइन खरीद लिए और आज वो सच में उसके कहीं ना कहीं करीब जाने की कोशिश कर रहा है। उसी तरह अगर यूएफओ गेमिंग की चर्चा चल रहे हैं हमको उसी बेस पे जाना है। दूसरी तरफ उससे भी जरूरी जो है, क्या ये एक्चुअली में प्रोजेक्ट रखता है? देखिए, टीम अगर स्टेकिंग के लिए वर्क करती है तो स्टेक आते बराबर इस कॉइन का पंप आना लाजमी सी बात है। कूकॉइन एक बड़ा एक्सचेंज है, अगर वहां पे लिस्ट है तो होप काफी ज्यादा सोच समझ के वो लोगों ने लिस्ट किया होगा। उसके अलावा बिटमार्ट एलबैंक जैसे लोगों ने भी लिस्ट करके रखा है, तो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम डेवलपर्स की बात करें तो अपडेटेड है, एटलीस्ट काफी ज्यादा वर्क कंटिन्यूसली कर रहे हैं और होल्डर्स भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। इसके हिसाब से अगर मैं बोलूं तो एक बहुत छोटा सा अमाउंट आपको इस कॉइन में इन्वेस्ट आपके अकॉर्डिंग रिसर्च के बाद कर देना चाहिए। अगर आप करते हैं तो इन फ्यूचर आपको रिग्रेट नहीं होगा, लेकिन उतना ही अमाउंट करना जितना आप वेस्ट कर सके, डोनेट कर सके खुद को या फिर ऐसे ही गवा दे 1,000, 2,000, 3,000 रुपीज एज पर मतलब जितना आपका बजट है जो आप अपने अकॉर्डिंग रखते हैं। ज्यादा अमाउंट में बोलूंगा इसमें इन्वेस्ट करना सही नहीं है, अगर आपको ज्यादा करना ही है तो बेशक आप ऐसे कॉइन पे करो जिसका फ्यूचर, जिसका प्रोजेक्ट, जिसका फंडामेंटल काफी ब्राइट हो, वो आपको बढ़िया रिजल्ट देने में हेल्प करेगा। लेकिन इन कॉइन्स का भरोसा नहीं होता है, कभी उठे तो काफी उठ जाते हैं और नहीं उठते हैं तो फिर वहीं रहते हैं या फिर वहीं पे अटक जाते हैं। लेकिन इस कॉइन के लिए मैं थोड़ा सा भरोसेमंद हूं क्योंकि एटलीस्ट मीम टोकन से ज्यादा ठीक ठाक है ये कॉइन। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया और जरा सी भी अगर इस वीडियो से आपको जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आपने मेरा अभी तक टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कर सकते हैं। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं और ऐसी वीडियोस आपको देखते रहनी है और जानकारी लेते रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आपको लग रहा है ये वीडियो किसी भी भूले भटके की हेल्प कर सकता है तो उसके साथ शेयर जरूर करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग।